नमस्कार प्यारे बच्चों, और सभी अच्छा है? अच्छा, और ठीक है सब ना? इसके पहले आप लोगों को भूगोल में कक्षा आठवीं में पाठ दूसरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आप लोगों को क्या बताया गया, भूपटल किसे कहते हैं, भूपटल के कितने प्रकार हैं। तो भूपटल के दो प्रकार बताया गया था आप लोगों को। पहला था महाद्वीपीय भूपटल और दूसरा था सागरी भूपटल। और उसके बाद आप लोग जो है बताया गया कि कोड क्या होता है, माने पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, उसमें मेटल है, अस्थल मंडल है, आंतरिक भाग है, बाहरी भाग है और मेटल यानी प्रवार का क्षेत्र है। तो आज आप लोगों को मैं यह बताऊंगा कि मेटल क्या होता है, प्रवार प्रवार किसे कहते हैं। आइए देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर। मेटल यानी प्रवार, भूपटल के नीचे मेटल परत पाई जाती है। भूपटल के नीचे मेटल परत पाई जाती है। मेटल के ऊपरी एवं निचला मेटल दो उप विभाग किए जाते हैं। मेटल के ऊपरी एवं निचला मेटल दो उप विभाग किए जाते हैं। ऊपरी मेटल अधिक प्रवाही है, इसी भाग में लावा के कक्ष पाए जाते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान यहीं से लावा पृथ्वी की सतह पर आता है। मेटल के इस भाग को दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। भूकंप के केंद्र प्रायः इसी भाग में पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह से करीब 42 किलोमीटर की गहराई के पश्चात मेटल परत की शुरुआत होती है। मेटल में पाए जाने वाले आंतरिक ऊर्जा के कारण होने वाले हलचलों से पृथ्वी सतह पर पर्वत निर्माण, घाटे निर्माण, ज्वालामुखी, भूकंप जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। वैज्ञानिक अनुमान है कि इसकी मोटाई 2870 किलोमीटर होगी। यहाँ पर तापमान 2200 से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस तक होगा। यहाँ अचानक चट्टानों की संरचना एवं घनत्व के स्वरूप में परिवर्तन होता है। ये मेटल है, मेटल माने प्रवार। क्या होता है प्रवार, माने सबसे पहले जो हम लोग यहाँ रहते हैं अस्थल मंडल है। क्या है अस्थल मंडल? पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है और इसके नीचे जाएंगे तो प्रवार मिलता है। क्या मिलता है? प्रवार यानी मेटल। 42 किलोमीटर नीचे यहाँ दिया गया है ना कि 42 किलोमीटर गहराई के पश्चात है मेटल परत की शुरुआत होती है। बराबर, और 42 किलोमीटर पृथ्वी की जो सतह है उसके नीचे जाने पर जो है 42 किलोमीटर पर जो है मेटल प्रवार की शुरुआत होती है। यहाँ पर जो है ज्वालामुखी के लावा पाया जाता है। यहीं से ज्वालामुखी का केंद्र होता है, यहीं से ज्वालामुखी क्या होता है, उद्गार होता है। पर्वत, पहाड़, घाटी, ज्वालामुखी, भूकंप जैसी क्रियाएं जो है कहाँ से होती हैं? भूपटल, मेटल से। कहाँ से? मेटल। हम लोग मैप में देखते हैं कि मेटल कहाँ पर है। जहाँ देखिए आप सभी लोग, यहाँ दिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना दिखाने वाली आकृति। इसके पहले हम लोग देखिए, आप लोग बताया गया कि ये आंतरिक कोड है, इसको उल्टा कर दिया गया है चित्र को। ये बाहरी कोड है, ये क्या है? मेटल है। ये भूपटल है, महाद्वीपीय भूपटल है, और इसके नीचे जो ब्लू रंग दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? सागरी भूपटल है। अब देखिए यहाँ पर सीधा हो गया है प्यारे बच्चों। ये अस्थल मंडल है, क्या है? अस्थल मंडल। भूपटल करीब 30 किलोमीटर में, यह ग्यारह अस्थल मंडल। इसके बाद देखिए ऊपरी मेटल है, यहाँ पर दिखाई गई लाइन देख रही है, और ये मेटल है, ये ठोस अवस्था में जो मेटल है, देख रहे हैं आप सभी लोग, ये क्या है? मेटल का ठोस अवस्था है। मेटल 2870 किलोमीटर क्या है, गहरा क्षेत्र है। निचला मेटल इसके बाद शुरू होता है। इसके ऊपरी मेटल है, ये क्या है? जो तीर दिख रहा है यहाँ से निचला मेटल यहाँ तक शुरू होता है प्यारे बच्चों। अब देखिए ये स्थल मंडल है, ये फिगर में क्या दिखाई दे रहा है? भूपटल। माने ये ऊपरा जो हिस्सा है क्या है? भूपटल है। क्या है? भूपटल है। यूँ मेटल नीचे जो ऐसा कलर दिखाई दे रहा है वो मेटल है। स्थल मंडल यानी 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का जो क्षेत्र है
यह बहुत ही गर्म एवं तप्त होता है और इस मेटल में ज्वालामुखी भूकंप यहीं से सारी क्रियाओं का निर्माण होता है। लावा का निर्माण यहीं से होता है, जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है यहाँ से जो लावा का जो है जो चट्टाने में परिवर्तन होता है, कायल चट्टाने पिघल जाती हैं और यहाँ से लावा जो है बाहर निकलता है ज्वालामुखी का परतों का निर्माण। ये मेटल का क्षेत्र है, क्या है मेटल इसको कहते हैं, ये ऊपरी मेटल है और ये नीचे क्या है मेटल है। देखिए यहाँ देखिए आप लोग, ये ऊपरी मेटल है यहाँ दिया है ना, ये जो क्षेत्र है ये क्या है और यहाँ जो दिखाई दे रहा है निचला मेटल है, क्या है निचला मेटल और ये सब जो है ऊपरी मेटल है। प्यारे बच्चों आइए एक बार फिर देखते हैं हम लोग इधर कि क्या है, एक बार फिर देख लेते हैं मेटल को। मेटल यानी प्रवार, भूपटल के नीचे मेटल परत पाई जाती है, मेटल के ऊपरी एवं निचला मेटल दो उप विभाग किए जाते हैं। ऊपरी मेटल अधिक प्रवाही है, इसी भाग में लावा के कक्ष पाए जाते हैं। लावा किससे निकलता है, ज्वालामुखी से, तो ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान यहीं से लावा पृथ्वी की सतह पर आता है। मेटल के इस भाग को दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है, ये मेटल है। भूकंप के केंद्र जो है प्रायः इसी भाग में पाए जाते हैं, यह पृथ्वी की सतह से करीब 42 किलोमीटर जो है नीचे है, इसकी मोटाई 2870 किलोमीटर है। जो हमारी पृथ्वी है उसकी सतह से 42 किलोमीटर नीचे का हिस्सा मेटल है, यहीं से ज्वालामुखी भूकंप का केंद्र बिंदु माना जाता है। ठोस और गर्म क्षेत्र है, यहीं से सारी क्रियाएं होती है। लावा जो क्या होता है बाहर निकलता है, जो लावा बाहर निकलता है, लावा जो पृथ्वी फैलता है उससे जो है चट्टानों और परतों का निर्माण होता है। नंबर दो देखते हैं क्या दिया यहाँ पर है, क्रोड। अब क्या देखेंगे, क्रोड माने क्या होता है गर्भ। प्यारे बच्चों पृथ्वी की सतह से करीब 2900 किलोमीटर के गहराई में क्रोड का भाग आरंभ होता है। मेटल के नीचे से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक का भाग क्रोड कहलाता है, इसकी मोटाई करीब 3470 किलोमीटर है। इस परत का विभाजन बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड में किया जा सकता है। क्रोड माने पृथ्वी की सतह से 2900 किलोमीटर गहराई जमाएंगे तो क्रोड की शुरुआत होती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग और पृथ्वी का जो है वाय भाग, तो क्रोड दो भागों में बांटा गया, एक आंतरिक क्रोड होता है और क्या होता है बाहरी क्रोड होता है। यहाँ देखते हैं फिर एक बार मैप को हम लोग, ये देखिए आप सभी लोग, ये दिया है क्रोड है, देख रहे हैं आंतरिक क्रोड है और क्या है बाहरी क्रोड है। तो यहाँ से जो है देख रहे हैं आप लोग जो लाइन ऐसा बनी गई है, यहाँ से जो ये क्रोड है, क्या है क्रोड का इलाका है, देख रहे हैं आप सभी लोग। यहाँ से जो है पृथ्वी का एक केंद्र है, 6371 किलोमीटर जो है इसकी गहराई है पृथ्वी केंद्र की। आंतरिक भाग जो है ठोस है और जो बाहरी क्रोड है क्या है वो द्रव क्षेत्र में है। तो 3400 797 मैंने 79 किलोमीटर इसका जो है क्षेत्र यहाँ पर है, देख रहे हैं आप सभी लोग। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि इसके दो भाग किए गए, इस परत का विभाजन बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड में किया गया है। क्रोड माने गर्भ, क्या होता है क्रोड माने क्या होता है पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। ऊपरी भाग तुम लोग देख ही रहे हैं कैसा है, पर्वत पहाड़ मैदान बस्ती बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं, लेकिन उसका आंतरिक भाग नहीं देख सकते हम लोग क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तापमान क्या होता है बढ़ता है और जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो तापमान क्या जाता है सॉरी ऊपर जो है घटता है नीचे क्या हो जाता है बढ़ता जाएगा। हर 32 मीटर पर जब नीचे जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है बढ़ जाता है। जैसे यहाँ प्रवाह में दिया था यहाँ का तापमान 2200 से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस है, 2200 से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस है। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो तापमान क्या हो जाता है यहाँ पर बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं बाहरी क्रोड क्या होता है, पृथ्वी के कोण को दो भागों में बांटा गया है, ये है बाहरी कोण, क्या है बाहरी कोण। बाहरी कोण पृथ्वी की सतह से करीब है 2900 किलोमीटर से लेकर करीब 5100 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। बाहरी कोण पृथ्वी की सतह से करीब
2900 किलोमीटर से लेकर करीब 5100 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। भूकंप की गौर तरंगे क्रोड क्षेत्र से नहीं गुजर पाते, उनका इस भाग में अवशोषण हो जाता है। इससे वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि क्रोड परत का यह भाग द्रव अथवा अर्धद्रव अवस्था में होगा। बाहरी क्रोड तरल पदार्थों से बना है और इसमें लौह की मात्रा अधिक है। इस द्रव स्वरूप के बाहरी क्रोड में उदरगामी प्रवाहों की उत्पत्ति होती है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है यह द्रव अवस्था में, जिसमें है द्रव अवस्था में है, ये बाहरी क्रोड है। इसलिए यहाँ पर गौर तरंगे, भूकंप तरंगे जो छोटी हैं यहाँ से नहीं गुजर पाती हैं, क्योंकि द्रव रूप अवस्था में ये जो है इनका प्रवाह कम होता है, इनका प्रवाह क्या होता है कम हो जाता है। द्रव अवस्था में है बाहरी क्रोड, पूरा द्रव अवस्था में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर न, यह किसमें है द्रव अवस्था में। यह जो है पृथ्वी की हमारी जो सतह है यहाँ से 2900 किलोमीटर से लेकर के 5100 किलोमीटर नीचे का यह क्षेत्र पाया जाता है, यह द्रव अवस्था में है। इसलिए यहाँ पर जो है किरणों का उदरगामी प्रवाहों की उत्पत्ति होती है। उदरगामी अधोगामी, उदरगामी क्या होता है ऊपर की तरफ, अधोगामी क्या होता है नीचे की तरह तरंगे जो चलती हैं तो उसको अधोगामी कहा जाता है। तो ये रहा बाहरी जो है क्रोड। दूसरा है आंतरिक क्रोड, दूसरा है आंतरिक क्रोड। यह परत पृथ्वी की सतह से करीब 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। यह भाग पृथ्वी का केंद्रीय भाग है और वह ठोस अवस्था में है। इसका घनत्व करीब 13.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस परत में मुख्यतः लौह एवं कुछ मात्रा में निकल धातु पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कहते थे। इस भाग में ये पदार्थ अत्यंत उच्च दाब में होते हैं और इसीलिए आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। यहाँ का तापमान सामान्यतः सूर्य के पृष्ठीय तापमान जितना होता है। बराबर, ये आंतरिक क्रोड है। पृथ्वी की सतह से 5150 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। अब देखते हैं आंतरिक कोण कहाँ पर है। यह पृथ्वी का आंतरिक कोण है ठोस अवस्था में। किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। 5150 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर यह जो है पृथ्वी का आंतरिक कोण है। यह प्यारे बच्चों यह पृथ्वी का जो है केंद्र बिंदु है, जो है आंतरिक भाग इसको बोलते हैं, और ये क्या है बाहरी भाग है। इसके ऊपर जो है निचला मेटल है, इसके ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपरी मेटल है, इसके ऊपर देख रहे हैं ऊपरी मेटल, नीचे जो है निचला मेटल, इसके ऊपर अस्थल मंडल। क्या है अस्थल मंडल, ये पृथ्वी की जो है पूरी संरचना है। ऊपर से चढ़ेंगे अस्थल मंडल से लेकर के 6371 किलोमीटर जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ सूर्य के जितना जो है तापमान होता है, जितना तापमान सूर्य का पृष्ठीय भाग होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर आ जाता है। जो तापमान सूर्य का केंद्र बिंदु पर है वह तापमान पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाया जाता है। बराबर, तो ये रहा जो है पृथ्वी का आंतरिक क्रोड। यह पृथ्वी की सतह जो है वहां से 5150 किलोमीटर से लेकर के नीचे जो दिया है 6000 जो है देख रहे आप लोग 371 किलोमीटर तक है। माने जो सबसे निचला हिस्सा पृथ्वी होता है, यानी इसका जो तापमान है सूर्य के पृष्ठीय तापमान के बराबर होता है, यानी लगभग जो है 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान केंद्र बिंदु के नीचे पाया जाता है। तो पृथ्वी की जो है दो जो भाग है आंतरिक बाह्य कोण और आंतरिक कोण दो भागों में इसको बांटा गया है। बराबर, देखिए यहाँ पर एक बार इस रचना को फिर आप लोग देख लीजिए, इसमें और इसमें दोनों में क्या अंतर है देख लीजिए। यह देखो प्यारे बच्चों यह ऊपर मेटल, माने इसको उल्टा करके दिखाया गया है। ऊपर मेटल है आंतरिक कोण, फिर देखिए बाहरी कोण, फिर क्या दिया गया है मेटल यानी प्रवाह, फिर दिया गया है भूपटल। क्या दिया गया है भूपटल है, और भूपटल को दो भागों में बांट दिया गया है, महाद्वीपीय भूपटल और सागरीय भूपटल।
अब इसका देखिए सीधा ऐसा उल्टा कर दिएगा यहाँ पर। अब देखिए ये ऊपरी महाद्वीपी भूपटल है, नीचे जो दिखाई पड़ रहा है कलर जो है नीले रंग का हो सागरी भूपटल है। क्या है? सागरी भूपटल है। अब देखते हैं इसके नीचे जो है मेटल है। भूपटल करीब 30 किलोमीटर जो है मोटा है, कितना है 30 किलोमीटर। वहीं से मेटल का काम चालू होता है, इसको प्रवार कहते हैं। तो ये ऊपरी मेटल है। क्या है? ऊपरी मेटल। और उसके नीचे भाग क्या है? निचला मेटल है। क्या है? निचला मेटल। यह ठोस अवस्था में है, 2870 किलोमीटर जो है गहरा है। यहाँ 100 किलोमीटर जो है तापमान जो है गर्म होता है। यहीं पर ज्वालामुखी केंद्र, भूकंप केंद्र, सारे केंद्र यहीं होते हैं, यहीं से सारी प्रक्रियाएं होती हैं। रेडियो एक्टिव तत्व प्यारे बच्चों यहीं पाया जाता है, यहीं से ऊर्जा तरंगों का निर्माण होता है, यहीं से ऊर्जा तरंगों का निर्माण होता है। उसके नीचे जो है निचला मेटल है। उसके बाद जो है आएंगे हम लोग बाहरी क्रोड यानी द्रव अवस्था में, जो वायु भूभाग है पृथ्वी का हुआ किसमें है? द्रव अवस्था में है। और जो आंतरिक है वह जो है ठोस अवस्था में है। यहाँ पर लौह तत्व पाए जाते हैं, बराबर लौह और निकल की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये देखिए गृह कार्य आज का जो है, पहला है मेटल किसे कहते हैं, दूसरा है क्रोड की परिभाषा लिखो, तीसरा है आंतरिक क्रोड किसे कहते हैं। तो ये तीन जो है गृह कार्य आपको दिए गए हैं इस पाठ में। कितने गृह कार्य? तीन गृह कार्य। ये दूसरा पाठ जो है लगभग आप लोग पूरा हो गया है। आप लोग इसको लिखेंगे और लिख करके अपने ग्रुप पर डालिए। आप लोग काम दिखा नहीं रहे, कुछ बच्चे हैं जो काम पूरा करते हैं, बाकी लोग जो है अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इस पाठ को आप लोग जो मैं पढ़ाया गया हूँ इसको, इस गृह कार्य को कीजिए और इसको विधिवत पढ़िए, और वीडियो को जो आप लोग देखिए उसको सब्सक्राइब कीजिए जाकर के यूट्यूब पर, और लोगों के पास भेजिए। तो उससे वीडियो जब देखेंगे तो आप लोग और जानकारी होगी। एक मानचित्र को देखेंगे, चित्र को देखेंगे और इसको जब पढ़ेंगे आपको जानकारी और अधिक होगी। आज जो है यह पाठ पूरा हो रहा है। अब फिर हम जो है कल मिलेंगे तो अगले पाठ की शुरुआत करेंगे। जय हिंद।